दोस्तों ऐसी बहुत कम गाड़ियां होती जिनके लॉन्च का इंतजार पूरी कंट्री बेसब्री से करती है। ऐसा ही हमने स्कॉर्पियो एन के साथ देखा था। फिलहाल लॉन्च हो चुकी है, प्राइसिंग आपके सामने आ चुकी है, गाड़ी हमारे पास आ चुकी है, हमने इसको चला लिया, इसके साथ अच्छी खासी ऑफ रोडिंग भी कर दी है और मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए इस गाड़ी के बारे में, आपको ये लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। और जो इसे बिग डैडी कहा जा रहा है, क्या ये वाकई में बिग डैडी है, सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। वैसे आपको तो पता ही होगा स्कॉर्पियो एक गाड़ी ही नहीं इमोशन भी है, इंडिया के कोने कोने से बच्चा बच्चा इस गाड़ी के बारे में जानता है। और प्राइसिंग की अगर बात करें, प्राइसिंग काफ़ी अट्रैक्टिव है, 12 लाख से स्टार्ट होती है ये गाड़ी और इसका जो टॉप मॉडल डीजल मैनुअल जाता है 19,50,000 के आसपास, मोटे मोटे तौर पे 20-22 के आसपास जाएगी। फोर व्हील ड्राइव और ऑटोमेटिक के अभी जो है प्राइसिंग नहीं आए हैं, ये काफ़ी अच्छा रहा कि हमारे चलाने से पहले गाड़ी की प्राइसिंग आ गई है और अब खुलकर हम बता पाएंगे लेने लायक है या फिर नहीं है। शुरुआत करते हैं इसके डिज़ाइन से। डिज़ाइन आपको जो है ना पुरानी वाली स्कॉर्पियो जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल अलग है ये गाड़ी। काफ़ी लोगों का ओपिनियन मैंने देखा, मैंने इंस्टाग्राम में देखा और पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी वो ये बोल रहे हैं कि गाड़ी दिखने की पुरानी वाली स्कॉर्पियो जैसी नहीं है, मतलब कि वैसी, मतलब इसका लुक नहीं आता, रोड प्रेजेंस वैसी नहीं आती है। लेकिन क्या सिर्फ लुक से हम गाड़ी को जज कर सकते हैं? ऐसा नहीं है बिल्कुल। कई बार मेरे इमोशंस चेंज हुए हैं इस गाड़ी के बारे में। फाइनली मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है, मैं इस तरीके से भी इस गाड़ी को चला रहा था कि मुझे खुद ये अगर परचेज करनी हो तो क्या मैं इस गाड़ी को कंसिडर करूंगा या फिर नहीं करूंगा। अब बात करते हैं डिज़ाइन की। डिज़ाइन लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है, बॉक्सी शेप में आती है गाड़ी। अगर हम आगे की बात करें, डबल बैरल इसमें हेडलाइट मिल जाती है। अभी रात में चलाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसी है ये। सी शेप जो है इसमें DRL आती है और प्रोजेक्टर फॉग लैंप आती है। ग्रिल थोड़ी बहुत जो है पुरानी वाली स्कॉर्पियो से मिलती जुलती है, जो इसका पैटर्न है ग्रिल का, जो क्रोम दिए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं महिंद्रा का नया लोगो। और बोनेट की हाइट आप देखिए और मेरी हाइट से कंपेयर कीजिए, काफ़ी ऊंचा बोनेट है ये। गाड़ी साइज में काफ़ी बड़ी लगती है, डी सेगमेंट को कम्पीट कर रहे हैं महिंद्रा वाले लाइक फॉर्च्यूनर टाइप की गाड़ी से। साइज देख के तो कह सकते हैं कि हाँ कम्पीट किया जा सकता है, बट बाकी चीज़ें कैसी हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। टायर साइज की बात करते हैं, टायर साइज काफ़ी अच्छा है, 255/60R18 ऑटोमेटिक में 18 है और मैनुअल में 17 इंच के हैं। चारों डिस्क ब्रेक आपको मिलते हैं। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो गाड़ी के साइज के सामने थोड़े से छोटे लग रहे हैं टायर, लेकिन टायर का एक्चुअल में साइज काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी की। और साइड से आप शेप देखिए, थोड़ा सा इसको मॉडर्न लुक देने की कोशिश करी गई है। पुरानी वाली जो स्कॉर्पियो थी वो एकदम बॉक्सी लगती थी, थोड़ा जो है ना उसमें करेक्टर जबरदस्त वाला लगता था उस स्कॉर्पियो का, लेकिन इसका थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा उसके सामने ये फीकी पड़ जाती है। लेकिन एक्चुअल में आप अगर इसको देखेंगे शोरूम में जाके देखना और फोटो में देखने में काफ़ी अंतर होता है। शोरूम में जाइए देखिए, आपको तब समझ में आएगा कि ये गाड़ी वाकई में काफ़ी बड़ी है। अब आइए पीछे की तरफ। आप में से कई सारे लोगों को ना पीछे का डिज़ाइन पसंद नहीं आया, बट बात यह है कि ठीक ठाक है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये बुरा लगेगा। पीछे भी अच्छा डिज़ाइन है, काफ़ी ऊंची है ये गाड़ी, काफ़ी बड़ी भी लगती है। गाड़ी की चौड़ाई ना एक्चुअल में पुरानी वाली स्कॉर्पियो से ज़्यादा है, लेकिन हाइट थोड़ी सी कम है। जो टेल लाइट है उसका डिज़ाइन जो है काफ़ी मिलता जुलता है वॉल्वो से और थोड़ा बहुत वैगनार से। लेकिन बात यहाँ पर है साइज में डिफरेंस है, और अगर सामने से देखेंगे तो पूरा कंप्लीट आपका जो है ना नज़रिया चेंज हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। और कुछ टाइम के बाद जो है ना इसका जो डिज़ाइन है आँखों में चढ़ जाएगा और ये गाड़ी आपको बुरी नहीं लगेगी, ये मेरा मानना है। इसको रोड में थोड़ा चलने दीजिए, आप थोड़ा सा यूज्ड हो जाएंगे ना तब ये गाड़ी आपको अच्छी लगेगी। ओवरऑल डिज़ाइन की बात करूं, गाड़ी बहुत ही मस्कुलर लग रही है, जब रोड में चल रही है तो काफ़ी अच्छी लग रही है। कुछ टाइम के बाद इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस भी वैसे ही होगी जैसे अभी एग्जिस्टिंग स्कॉर्पियो की है, जिसे अब हम स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से जानेंगे। अब चलिए चलते हैं बोनेट की तरफ। गाड़ी का बोनेट ना काफ़ी भारी है, आपको काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा, और इतने भारी बोनेट के लिए यार हाइड्रोलिक लिफ्ट सपोर्ट होने चाहिए थे। और मैं ठीक तरीके से देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतनी ऊंची है गाड़ी। यहाँ पर आपको इंसुलेशन मिलती है और ये रहा आपका 2.2 लीटर का डीजल इंजन, डीजल चला रहा हूँ ये, पेट्रोल भी मैंने चलाई थी। और ये निकालता है 175 BHP की पावर और 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और ऑटोमेटिक में 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। और नीचे प्लास्टिक का इंजन गार्ड दिया हुआ है और पेट्रोल इंजन निकालता है 202 PS की पावर और 370
न्यूटन मीटर का टॉर्क। कहने का मतलब है दोनों इंजन जो है काफी पावरफुल हैं, और चलते कैसे हैं ये तो आपको गाड़ी को चलाकर मैं आपको बताऊंगा। बोनट वाकई में काफी भारी है। तो एक और बात मुझे काफी अच्छी लगी कि जो डीजल और पेट्रोल इंजन का प्राइस डिफरेंस है ना, मात्र 50,000 रुपए के आसपास है। अब मैं थोड़ी बहुत ना आपको बिल्ड क्वालिटी का जो है ना एहसास दिला देता हूँ। मैंने आपको बताया था बोनट हद से ज्यादा भारी है, डोर्स में भी अच्छा खासा वेट है, और थर्ड साउंड काफ़ी अच्छी आती है। फील होता है कि यार जो है ना थोड़ी बहुत रोबस्ट है गाड़ी। और मटेरियल क्वालिटी की बात करते हैं, आ जाइए अंदर। गाड़ी काफ़ी ऊंची है, चढ़ने के लिए हैंडल दिया हुआ है। जिनकी हाइट कम है वो इसको पकड़ के चढ़ सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पैसेंजर साइड में भी दिया हुआ है ग्रैब हैंडल, और मुझे भी अगर मैं ग्रैब हैंडल को यूज़ ना करूँ तो मुझे भी थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है चढ़ने में। प्राइस के अकॉर्डिंग इंटीरियर की क्वालिटी ठीक ठाक लगी मुझे। प्लास्टिक जो है अच्छी क्वालिटी का है, और यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है जहाँ पर ज़रूरत है। और फील गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा है, और इर्गोनॉमिक्स की बात करें काफ़ी अच्छे हैं, और सीटिंग पोजीशन काफ़ी ऊंची है इस गाड़ी की। महिंद्रा कहता है कि ये सबसे हाईएस्ट सीटिंग पोजीशन वाली गाड़ी है सेगमेंट के अंदर। बोनट की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और स्टेयरिंग जो है आपको 700 टाइप का मिलेगा। फील काफ़ी अच्छा है। गाड़ी के अंदर आप बैठेंगे ना आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि ये स्कॉर्पियो है, क्योंकि ये स्कॉर्पियो N है। इसमें जो है ना प्रीमियमनेस मिलती है आपको। सनरूफ का साइज देख सकते हैं, पैनोरामिक नहीं है लेकिन फिर भी साइज इसका छोटा लगता है, लेकिन एक्चुअल में काफ़ी बड़ी है, चौड़ी है, आप देख पा रहे होंगे। और गाड़ी काफ़ी बड़ी है इस वजह से ये छोटी लगती है। सीटों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आर्म रेस्ट का साइज जो है ठीक ठाक है, और ये स्लाइड नहीं होता। आर्म रेस्ट के नीचे जो स्पेस है काफ़ी कम मिलता है। अगर स्टोरेज स्पेस की बात करी जाए तो इसमें ठीक ठाक मिलता है। ग्लोव बॉक्स का साइज थोड़ा छोटा है, और यहाँ पर कोई भी जो है ना एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट नहीं मिलता है आपका जो है आईपैड या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए। और यहाँ पर थोड़ा सा ना प्लास्टिक की क्वालिटी मेरे को थोड़ी सी चीप लगी इस ग्लोव बॉक्स की स्पेशली, बाकी सब ठीक है। सीटों की कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है, सीटों का साइज अच्छा है, लेकिन जिनकी हाइट थोड़ा सा ज़्यादा होगी उनको अंडर थाई सपोर्ट आगे की सीटों में थोड़ा सा कम मिलेगा। बाकी होल्डिंग वगैरह प्रॉपर है, अच्छा कंफर्ट भी मिलता है सीटों में। अगर फिट एंड फिनिश की बात करें, थोड़ा बहुत जो है ना फिट एंड फिनिश का इशू है इस गाड़ी के साथ। कॉर्नर्स थोड़े से रफ एजेस के साथ हैं, थोड़ा बहुत कहीं पर मामूली सा पैनल गैप मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से, कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो ठीक ठाक है। वो अभी आपको जो है ना थोड़ा सा और क्लियर होगा। अभी सबसे पहले मैं आपको ना स्पेस दिखा देता हूँ। ये मेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन है सेकंड रो का। सबसे पहले स्पेस आपको दिखाता हूँ मैं। सेकंड रो में एंट्री करने में भी थोड़ा सा आपको ना ऊपर उठना पड़ता है, और एक थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर है वो जो है ना, जैसे आपने बॉटल रख दी अपने डोर्स में तो आप जो है डोर खोल के ही निकाल पाएंगे उसको। ये पुरानी वाली स्कॉर्पियो में भी इशू था, ये इसमें भी है। और आप मेरी जो है ना देख लीजिए सिटिंग पोजीशन, यहाँ पर मेरा नी रूम देख सकते हैं, अच्छा खासा मुझे यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट है वो भी फर्स्ट क्लास है। और हेड रूम यहाँ पर अगर आप देखें पुरानी वाली स्कॉर्पियो के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा भी कम नहीं है। और आर्मरेस्ट अगर यहाँ पर आप देखेंगे उसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, दो यहाँ पर कप होल्डर है, और तीन लोगों के लिए ठीक ठाक स्पेस है। अगर उनकी जो बिल्ड है मतलब हेल्थ थोड़ा सा मेरे से ठीक ठाक हो, मतलब कम थोड़ा पतले हो, तो तीन लोग आराम से बैठ जाएंगे। और गाड़ी की चौड़ाई भी अच्छी खासी है, और सीटों की कुशनिंग भी अच्छी है। रिक्लाइन एंगल जो है इसका एडजस्ट नहीं कर सकते। एक छोटी सी समस्या लेकिन ये है, सेकंड रो को आप स्लाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेयर एसी का मॉड्यूल है, यहाँ पर इसका कंट्रोल है, यहाँ पर टाइप सी टाइप का चार्जर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको थर्ड रो में जाकर दिखाता हूँ कितना स्पेस वहाँ पर मिल पाएगा। तो थर्ड रो में एंट्री करने के लिए ये सीट ऐसे हो जाती है, और ऐसे कुछ आपकी एंट्री होगी। थर्ड रो का थाई सपोर्ट मेरे लिए तो बहुत कम है। ओहो, मुश्किल है मेरे लिए, यहाँ पर बैठना काफ़ी मुश्किल है। और आप देख सकते हैं मेरे पैर की वजह से ये पीछे तक नहीं आ रही है सीट। तो 5 फीट 5 इंच का व्यक्ति यहाँ पर बैठ पाएगा, वो भी थोड़ा बहुत तकलीफ उसको झेलनी पड़ेगी। पीछे आप हेडरूम देख सकते हैं, मेरे लिए तो कम है। अब थोड़ा सा सीटें स्लाइड हो जाती ना तो पीछे थोड़ा सा स्पेस बन जाता। स्पेस मैनेजमेंट जो है थोड़ा सा यहाँ पर तीनों रो के लिए ठीक नहीं है, मतलब कि
पीछे की जो सीटें हैं वो इतनी यूजेबल नहीं है। अब चलिए बढ़ते हैं बूट की तरफ। तीनों रो ऑन होने के बाद जो है बूट स्पेस आपको कितना मिल पाता है आप यहाँ पर देख लीजिए। मेरा बैग यहाँ पर रखा हुआ है और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस डोर पे यहाँ पर स्लोप दिया हुआ है ताकि आप जो है ना अपना सामान रख पाएँ और डोर बंद कर पाएँ तरीके से। ये बैग भी थोड़ा सा टेढ़ा है और ज़्यादा स्पेस आपको चाहिए, ये सीट फोल्ड हो जाती है। मैं आपको फोल्ड करके दिखाता हूँ। सीट को यहाँ से आप फोल्ड कर सकते हैं और इस वाले लीवर से आप जो है ना इसको टंबल कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना भारी सामान रख सकते हैं। भारी सामान सीट के ऊपर तो आप रखेंगे नहीं, आप यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है जब ये सीट टंबल हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि 7-सीटर बहुत सारी आती हैं लेकिन बहुत सारी उसमें से सिर्फ नाम की होती है। पीछे का डोर भी थोड़ा हैवी है, अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो डोर्स ठीक ठाक हैवी हैं लेकिन बोनट का वजन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है यार। देखिए सेफ्टी फीचर्स की कोई कमी नहीं है, 6 एयरबैग मिल जाते हैं, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है और साथ के साथ बाकी यूटिलिटी के बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। जैसे आपको फ्रंट एंड रियर कैमरा मिलता है, आपको जो है 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता इस गाड़ी के अंदर, और जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन साइज जो है थोड़ा सा छोटा है और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, बीच में जो MID है वो काफ़ी बड़ी है, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन वो आपको देता है, और जो सोनी का जो है म्यूज़िक सिस्टम उसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। कहने का मतलब है आपको थोड़ा सा ना रिच एक्सपीरियंस मिलेगा अब नई स्कॉर्पियो के अंदर। तो चलिए अब बाकी की बातें चलाते चलाते करते हैं। हर जगह का एक्सपीरियंस मैंने ले लिया इस गाड़ी के साथ और उस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, अंधेरा हो गया है, अब मुझे शूट करने को मिल रहा है क्योंकि मुझे देखना था कि गाड़ी एक्चुअल में कैसी है, वो सारी बातें आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इस बार वीडियोग्राफी कुछ फैंसी टाइप की नहीं होगी, आपको बिल्कुल रॉ तरीके से बताऊंगा, सरल भाषा में बताऊंगा जिससे कि आप भी समझ पाएं। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, इंजन काफी रिफाइन है, आप रियर कैमरे की क्वालिटी देख सकते हैं, थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है, अगर मैं बताऊं तो क्वालिटी अच्छी है। इस गाड़ी में आपको मिलता है 6-स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर और 6-स्पीड मैनुअल। मैनुअल आज चलाने को नहीं मिला, सिर्फ ऑटोमेटिक मिला है चलाने को। इंजन काफी रिफाइन है और लैग बिल्कुल भी नहीं है शुरुआत से उठाने में इसमें। और स्कॉर्पियो अब पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है और चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको एक्चुअल में। और सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन ना अगर आप गड्ढों में स्लो स्पीड में चलाएंगे तो आपको थोड़े से स्टिफ लगेंगे, लेकिन उन्हीं गड्ढों पे आप तेज स्पीड में लेकर जाएंगे तो आपको प्रॉपर कम्फर्ट मिलेगा। छोटे मोटे ब्रेकर्स में ना टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। गाड़ी का AC काफ़ी अच्छा है, कूलिंग ठीक करता है, लेकिन थर्ड रो में आपको AC वेंट्स नहीं मिलते हैं, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी यहाँ पर आपको। गाड़ी की परफॉर्मेंस तो अच्छी है लेकिन साथ के साथ ना गाड़ी की स्टेबिलिटी भी अच्छी है अगर पुरानी वाली स्कॉर्पियो से कंपेयर करें, और हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है। जब आप इसको फर्स्ट टाइम चलाएंगे ना आपको ऐसा एहसास होगा कि यार जो इसका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग है वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आप 100-150 किलोमीटर के आसपास जब चला लेंगे ना, आप जब इसके आदि हो जाएंगे ये काफ़ी अच्छा लगेगा। जब मैं इसको पहाड़ों में चला रहा था तो थोड़ी बहुत मुझे ना दिक्कत हो रही थी, अपने हाथों से वेट डालना पड़ रहा था जब मैंने फर्स्ट टाइम इस गाड़ी को चलाया था। मेरे परसेप्शन ये थे कि ये थोड़ी बहुत ना पुरानी वाली स्कॉर्पियो की तरह चलती होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं फर्स्ट टाइम जब इसमें बैठा तो मुझे काफ़ी स्मूथ लगी है गाड़ी, और अगर आपको रॉ गाड़ी चाहिए बिल्कुल तो इसमें वो रॉनेस नहीं है, इसमें पूरा कम्फर्ट मिलेगा, ड्राइविंग कम्फर्ट और ड्राइव क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की, और साथ के साथ परफॉर्मेंस और उसके साथ हैंडलिंग। जब एक बार गाड़ी चल जाती है ना तो इंजन की उतनी खास आवाज़ नहीं आती अगर जब तक आप इसको ना रेव ना करें तो। कहने का मतलब है पुरानी वाली स्कॉर्पियो से काफ़ी इम्प्रूव्ड है ये गाड़ी चलने में। आपको कॉम्बिनेशन लगेगा थार का प्लस XUV 700 होगा। थार के प्लेटफॉर्म में ये गाड़ी बनी हुई है, काफ़ी कैपेबल है ये गाड़ी। फोर व्हील ड्राइव गाड़ी में हमने काफ़ी अच्छी खासी ऑफ रोडिंग करी तो वहाँ पर हमें पता चला काफ़ी कैपेबल है ये गाड़ी। इस प्राइस रेंज में 4x4 में इससे अच्छी गाड़ी कोई नहीं हो सकती, जिसमें आपको स्पेस भी मिले, कैपेबिलिटी भी मिले, कंफर्ट भी मिले और थोड़ा बहुत जो है ना लग्जरी भी मिल जाए। हिली एरिया में मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, अच्छी खासी स्पीड जो है मेंटेन कर सकता हूँ। अगर जब आप इसकी टेस्ट ड्राइव लोगे ना
आपको यकीन नहीं होगा कि ये स्कॉर्पियो है, बिल्कुल एफर्टलेस चलती है और काफ़ी एजाइल हो चुकी है पहले से, आप देख पा रहे होंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल से रिलेटेड सारे फीचर आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं, यानी कि ये गाड़ी जो है ना पहले से ज़्यादा एडवांस भी हो चुकी है। पेट्रोल के बारे में आपको मैं बता दूँ, आपको पिकअप या फिर परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी फील होगी पेट्रोल में, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी बहुत कम है उसकी। 7 और 8 किलोमीटर पर लीटर का जो है एवरेज मुझे मिल रहा था, मैंने उसको हाईवे पे चलाया था और वो भी ठीक ठाक स्पीड में चलाया था। तो हाईवे की स्टेबिलिटी भी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। जूम मोड में ये गाड़ी फुल पोटेंशियल के साथ चलती है, फुल पावर के साथ चलती है, और 0 to 100 भी इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है अगर हम पिछली वाली स्कॉर्पियो से इसका कंपैरिजन करें तो। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट से लेकर जो इसका जो एक्चुअल सेगमेंट है, डी सेगमेंट की बोल रही है महिंद्रा इसको, वहाँ तक ये काफ़ी अच्छा खासा कम्पीट करती है प्राइजिंग में और साथ के साथ कैपेबिलिटी में। जब आप इसको चलाओगे तब आपको महसूस होगा। आजकल जो इस साइज़ की जो गाड़ियाँ हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव आ रही है ज़्यादातर, और एक्सयूवी 700 ही आप ले लीजिए, वो भी फ्रंट व्हील ड्राइव आती है। इसके रियर व्हील ड्राइव होने से काफ़ी एडवांटेज हैं, और जैसे बॉडी ऑन फ्रेम का जो नेचर होता है ना, वो नेचर आपको इसमें बहुत कम दिखाई देगा, वो कुछ कुछ जगह में आपको महसूस होगा। नहीं तो ये गाड़ी आपको काफ़ी स्मूथ और काफ़ी साइलेंट महसूस होगी, चलाना भी काफ़ी आसान है इसको। विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बोनेट काफ़ी ऊंचा है, और साथ के साथ जो है ना सेगमेंट की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, डी सेगमेंट की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनसे ऊंची है ये गाड़ी। यहाँ पर कोहरा बढ़ गया है। बाकी बात करें ब्रेकिंग वगैरह की, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, और सस्पेंशन रॉकी एरिया में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। वो जब 4x4 हम चला रहे थे तब ये हमने महसूस करा। जो इसका अप्रोच एंगल है ना, पुरानी वाली स्कॉर्पियो से इम्प्रूव हुआ है। गाड़ी का आर्टिकुलेशन भी काफ़ी अच्छा है, आप प्रॉपर ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं गाड़ी के साथ। ऑफ रोडिंग के जितने भी ऑब्स्टेकल थे इसने काफ़ी अच्छी तरीके से पार करे, और ये कहीं पर भी महसूस नहीं होने दिया कि यार इतना सब कुछ होने के बाद, इतना लग्जरी होने के बाद, इतनी अच्छी फील देने के बाद गाड़ी इतने टफ टेरेन में भी बड़े आसानी से चल जाएगी। और लिटरली मुझे ये गाड़ी ना बहुत पसंद आ रही है। थोड़ा बहुत ना मैं इसके डिज़ाइन से निराश था, लेकिन जब इसकी मैंने क्वालिटी देखी, इंटीरियर क्वालिटी देखी, बैठ कर फील कर चला कर देखा गाड़ी को, इसकी कैपेबिलिटी जब मैंने देखी तो मेरा इस गाड़ी पर दिल आ गया। एक्चुअल में मोनोकोक चेसी वाली जो भी फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवी है इसके कॉम्पिटिशन में, या फिर इससे नीचे जो मिड साइज सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करूं, उससे अच्छा फील है इस गाड़ी के अंदर अगर आप एक एसयूवी लवर हैं तो। 4x4 व्हीकल में नॉर्मल हाईवे वाले टायर लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी क्लाइंबिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा जो है ट्रैक्शन बना कर चल रही थी गाड़ी। काफ़ी ऊँचे ऊँचे ऑब्स्टेकल में हम इसको ले गए, फिर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा इस गाड़ी ने। महिंद्रा इसको बिग डैडी इसलिए बोल रहा है क्योंकि ऑल टेरेन कैपेबिलिटी है इस गाड़ी के अंदर, जो कि बहुत सारी जो एसयूवी है मिड साइज सेगमेंट की और इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जो गाड़ियां हैं उनमें ये काबिलियत नहीं है ऑल टेरेन टाइप की। उन गाड़ियों में थोड़ा सा ना आपको बॉडी रोल कम मिलेगा और थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन इसमें आपको जो है ना हर जगह पर जाने के लिए आपको सहूलियत मिल जाएगी। काफ़ी रोबस्ट हैं इसके सस्पेंशन, एब्यूज फ्रेंडली गाड़ी है कह सकते हैं आप। अगर आपका बजट इतना है 20 से 25 लाख के आसपास तो बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं ये गाड़ी आप। अभी आप बाकी गाड़ियों की बुकिंग ना ही कराएं तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो इसको चलाते चलाते अब रात हो चुकी है, अब मैं आपको हेडलाइट का परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। ये है इसकी लो बीम और ये है इसकी हाई बीम, और LED सेटअप आता है, और विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं थ्रो काफ़ी अच्छा है, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, तो नाइट में ड्राइव करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और दूसरी चीज़ फ्यूल एफिशिएंसी की भी आपको बता देता हूँ, पेट्रोल का तो आप 9-10 के आसपास मान के चलिए ओवरऑल, और डीजल का काफ़ी अच्छा एवरेज निकल के आ रहा है। अगर हाईवे पे आप अगर चलाते हैं तो 16-17 भी आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, 100 की स्पीड में क्रूज करके, 100-110 की स्पीड में, तो एवरेज भी अच्छा निकाल देती है ये गाड़ी। हिल्स में थोड़ा सा एवरेज कम आएगा इसका, 10-11 के आसपास, जो कि हिल्स के हिसाब से ठीक है, गाड़ी का साइज़, गाड़ी का वेट उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। मैंने हाईवे पे इसको ना रीसेट किया था, तो अभी हाईवे पे 80-90-100 ही चल रहा हूँ मैं, और 26.5 किलोमीटर पर लीटर मुझे ये शो कर रहा है, बट इस पर रिलाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम, 15-16 बड़े प्यार से निकाल कर देगी।
ब्रेकिंग के बारे में मैं आपको बताना भूल गया था, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी नोज डाइव करती है ये गाड़ी जब आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो। इस बार अच्छी चीज मुझे ये लगी कि जो जिप जैप जूम वाले जो मोड हैं वो डायरेक्टली आप इधर से चेंज कर सकते हैं, आपको स्क्रीन में कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है जैसे XUV 700 में हुआ करता था। यहाँ से मैं आराम से जो है चेंज कर सकता हूँ। अब बात आती है जो स्कॉर्पियो क्लासिक है उसको लेने का रीजन क्या बन जाता है। सबसे बड़ा, अगर आपको रॉ गाड़ी चाहिए तो आप जो है उसको ले सकते हैं, और दूसरी चीज अगर थोड़ा सा आपको इसका जो है ना डिज़ाइन पसंद नहीं आया, अब ऐसी बात भी नहीं है कि इसका डिज़ाइन इतना बुरा है, मुझे तो अभी अच्छी लगने लग गई जब से मैंने इसको प्रॉपरली चलाया है ना सारे टेरेंस में, तो मुझे मज़ा ही आ गया, मुझे डिज़ाइन से इसके कोई भी शिकायत नहीं है। ऐसा आपको भी महसूस होगा जब इसको आप चलाएंगे तो। मुझे तो नहीं लगता कि पुरानी वाली स्कॉर्पियो के लेने के आप कोई रीज़न बचते हैं एक्चुअल में, अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा ज़्यादा उससे जो है इजी टू ड्राइव है, कंफर्टेबल है, और इसमें फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। फॉर्च्यूनर से अगर कम्पीट करना चाहें तो सिर्फ कैपेबिलिटी में कर सकते हैं, पावर से, उसके डिज़ाइन से, उसकी जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी अलग है इस गाड़ी से, उसका रुतबा अलग है, उसकी रिलायबिलिटी अलग है, उसकी परफॉर्मेंस अलग है, उसका फील बिल्कुल अलग है, बिल्कुल रॉ फील आता है उसमें, लेकिन इसमें नहीं आता। इसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई मोनोकॉक SUV चला रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअली में चला रहे हैं बॉडी ऑन फ्रेम SUV, इतनी अच्छी गाड़ी है ये। तो अब बात आती है इसको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, जब इतनी सारी खूबियाँ हैं इस गाड़ी में तो इसको लेना तो बनता ही है। गाड़ी वाकई में काफ़ी शानदार है, जब आप इसको टेस्ट ड्राइव करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कितनी इसकी वेटिंग रहेगी और 25,000 बुकिंग के बाद इसके प्राइस कितने बढ़ जाएंगे वो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बात यह है महिंद्रा के जो डीजल इंजन होते हैं वो काफ़ी रिलायबल होते हैं, और अभी तो ऐसे कोई साइंस है नहीं गाड़ी के अंदर, ना ही हमें कोई प्रॉब्लम दिखाई दी इसमें, ना ही कोई ग्लिच आया और ना ही हमने नोटिस किया, तो अभी तक बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है और आई होप कि रिलायबल भी रहेगी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस स्कॉर्पियो N को लेके, काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये गाड़ी, हो सकता है बहुत जल्द हमारे पास ये गाड़ी दिखे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कमेंट में, और जो हमारी प्रीमियम सर्विस है वहाँ पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग बात कर लेते हैं कॉल पे। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।